हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप। माय नेम इज हिमांशु गजेंद्र। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग ने SBI PO का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। सो एवरीवन, SBI PO के नोटिफिकेशन में एक डाउट हर स्टूडेंट को आ रहा है कि ये जो प्रीलिम्स मेंस के बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, ये क्या है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, कैसे हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है। सो एवरीवन, मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या है ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। देखिए, ऐसा नहीं कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके एग्जाम में पहली बार हो रहा है। रेलवे के एग्जाम में पहले भी आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते आए हैं। बैंकिंग में हम बोल सकते हैं कि SBI PO में ये फर्स्ट टाइम आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है। देखिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये बस चेक करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को शो कर रहे हैं या खुद को यहां पर कुछ नया बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ वहां पर आपका टेस्ट किया जाएगा। देखिए, आप SBI PO में बनेंगे एक ऑफिसर, और एक ऑफिसर की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो अच्छे डिसीजंस ले। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट से ये भी टेस्ट होता है कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप कैसे सोचते हैं, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, ताकि आप वहां पर जब ऑफिसर बनेंगे SBI में तो अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज को लेकर चलेंगे, अपने जो आपके कस्टमर होंगे बैंक में उनको बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट ये चेक करते हैं कि आप ओरिजिनल में कैसे हैं। ठीक है, आप खुद को वहां पर कुछ नया दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, आप जो है वही दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको देखो कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पेपर क्लियर करना है तो वो बहुत कुछ पढ़ने लग जाते हैं, बहुत लोगों की बात सुनने लग जाते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है एवरीवन, और जैसे हैं खुद को वैसे ही रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग है तभी आप यहाँ पर प्रीलिम्स के बाद मेंस क्लियर करके साइकोमेट्रिक टेस्ट में आए हैं, तो खुद को यही दिखाइए कि आप जैसे हैं, आपको कुछ भी न्यू शो करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जैसे हैं वही शो करेंगे तो आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे और बहुत अच्छे से आप आगे निकल जाएंगे, इंटरव्यू में भी आप यहां पर आगे पास कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिंपल सा एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो टेस्ट करेगा कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कैसा है, आप किसी भी सिचुएशन में क्या करते हैं, आपके बैंक में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपके रियल लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें वहां पर होने वाली है। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका यहां पर मीनिंग क्या है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बहुत अच्छे से प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, उसमें फोकस कीजिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास देखिए मेंटल एबिलिटी है, तभी तो आपने प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके आप साइकोमेट्रिक टेस्ट देने आए हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई भी आपको आगे डाउट हो तो बिल्कुल आप यहां कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुड बाय।